नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर नवादा जिले के अंतर्गत नरहट थाना क्षेत्र से आ रही है। आपको बताते चले कि कोर्ट मैरिज शादी करने पर पड़ा महंगा और पति पत्नी को मिल रहा है जान से मारने की धमकी। यह खबर नवादा जिला के अंतर्गत नरहट थाना क्षेत्र के दौलतपुर गाँव निवासी राणा रामकृष्ण श्री भारतीय के पुत्र अमीश कुमार तथा अकबरपुर थाना क्षेत्र के दादपुर गाँव निवासी स्वर्गीय अशोक प्रसाद की पुत्री डॉली कुमार की है। इन दोनों प्रेमी जोड़े ने बिना परिवार वालों को कुछ बताए दिल्ली स्थित द्वारका कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर लिया था। शादी करने के बाद लड़की के मामा तथा मौसा इन सभी लोग लड़की तथा लड़का को जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं, जिससे आहत होकर दोनों प्रेमी जोड़ी ने सुरक्षा की गुहार जिला प्रशासन से लगाया है। आइए सुनते हैं कि दोनों ने क्या कहा। उसके कारण मतलब पहले से थोड़ा बहुत विवाद चल रहा था। मुझे सबसे ज्यादा छोटे मामा मारे हैं। छोटे मामा क्यों मारे? कोई रीजन? सर, रीजन इसलिए कि शादी के मामला को लेके पहले से सबको घर में पता था, कोई मौका नहीं मिल रहा था उनको मारने का। और जब पापा का काम हुआ उस बीच लड़के गए हमारे घर और मैं इनको बुलाई थी सिर्फ मम्मी से मिलवाने के लिए और मम्मी से बात करवाने के लिए। मामा ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछे कि मामला क्या हुआ, बात क्या हुई आपकी। सीधा मुझे पकड़े और दो तीन हाथ खींच के रख दिए, उसी में मामला गर्म हो गया। मारने वाले में सिर्फ मामा ही थे? मामा थे, मौसा थे, मेरी बहन है। मतलब ये क्यों मारे? मैंने शादी मना करने के पर्पस से। सर, शादी मना करने के लिए इन लोगों को, इन लोग चाहते थे कि शादी ना हो। तो वही हुआ। जैसे मैं आया हुआ था, अपने वाइफ के पिताजी एक्सपायर कर गए थे तो मैं वहाँ पे गया हुआ था 12वीं के दिन। वहाँ पे फिर मेरी वाइफ ने मेरे को घर के अंदर बुलाया कि ये लोग आपको गाली गलौज दे रहे हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं। बस इसी दरमियान, कोई ख़ास मैटर नहीं था, हालांकि जो बातें बिगड़ी थी वो काफ़ी पहले से बिगड़ी थी, लेकिन उस समय तत्कालीन सिर्फ यही मैटर था कि ये मेरे को बुलाए और इसी बात पे इसके मामा ने आके इसको मारना शुरू कर दिया। इस मारपीट का सूचना थाना में दिए या कहीं दिए? थाना की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? थाना के तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई थी। उस दिन मेरे से एप्लीकेशन लिखवा लिया गया, फिर मेरे को बोल दिया गया आप कल आओ। मैं कल फिर पूरा दिन गया, आधा से ज़्यादा दिन निकल गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं महिला आयोग नवादा पहुँचा। कितने दिन से इस मामले को लेकर आप थाना का चक्कर काट रहे थे? सर, 3 दिन हो गया। तीन दिन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई सर अकबरपुर थाना की तरफ से? नहीं सर। फिर तीसरा दिन जाकर एसपी साहब के हस्तक्षेप से मतलब मेरी वाइफ को थाने में बुलाया गया और फिर इसका बयान वगैरह लिया थाने में, फिर इसको मेरे पास हैंडओवर में दिया गया। अभी आप आगे के लिए क्या सोचे? अभी सर, सबसे पहले मेरी तो यही है इच्छा कि अभी मैं इसको पहले ले जाके जहाँ मैं रह रहा हूँ इसका मैं इलाज करवाऊँ, क्योंकि इसको बहुत चोट आ रखी है। परिवार वालों की तरफ से क्या आपको कुछ धमकियां या मारपीट? हाँ, इसके परिवार में जो इनके रिलेटिव हैं मामा मौसा वगैरह, वो लोग जान से मारने की धमकी दी है आप दोनों को? जी, हाँ जी। जब हमने बताया कि हमने कोर्ट मैरिज कर लिया है, उसके बाद इन लोगों ने और बढ़ चढ़ कर ये धमकी देना शुरू कर दिया। बोले हैं कि कैसे याद नहीं तो कल हम काट डालेंगे तुमको।
तुम्हें घर नहीं बसने देंगे किसी भी हाल में। क्या नाम है आपका? अमीश कुमार सर।